Hi, this is Vikas Gupta and you're watching Pop Bollywood. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड। आज हमारे साथ है लॉस्ट बॉय। वेल, उनके नाम पे मत जाइए बिकॉज उनका माइंड है काफ़ी मास्टरमाइंड, इसीलिए उनके करियर में आप देखोगे कंटिन्यूस विकास। यस, और जो उनके जाता है खिलाफ उसे वो देते हैं पंच बेट। ही इज नॉन अदर देन एस ऑफ द स्पेस मास्टरमाइंड विकास गुप्ता इज विद अस। वेलकम टू पॉप। कितना अच्छा लिखती है यार तुम तो, ऐसे लिख दिया अगर मेरे शो में भी डायलॉग्स फुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुली, मैं बड़ा खुश हुआ, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले शो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोग इसे बिग बॉस से कंपेयर कर रहे हैं जबकि बिग बॉस इतने सारे सीजन थे एंड ये फर्स्ट सीजन है। व्हाट डू वांट टू से अबाउट? प्लीज डोंट कंपेयर विद बिग बॉस। बिग बॉस इज पप्पा ऑफ ऑल शोज, नॉट जस्ट एक शो, पप्पा है सारे शोज का। वी हैव जस्ट बीन बॉर्न एंड आई एम सो ग्लैड दैट पीपल आर एंजॉयिंग द शो, दे आर लविंग द शो। इट्स सो एक्साइटिंग टू गेट सो मच लव फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। ओके, तो घर में इतने सारे कंटेस्टेंट है बट हमने एक लव एंगल भी देखा है, यू नो, तो व्हाट डू वांट टू से अबाउट वरुण एंड? एक लव एंगल नहीं, बहुत लव एंगल्स हैं वहाँ पर। माय फेवरेट लव एंगल इज फैजी बू एंड प्रतीक। प्रतीक नहीं प्यार करता उस तरीके से पर फैजी करता है एंड यू हैव टू सी हाउ ब्यूटिफुल दैट लव इज। ही स्टैंड अप फॉर प्रतीक एट प्लेसेज वाई प्रतीक कांट स्टैंड अप। सो फॉर मी टू सी अ गे बॉय स्टैंडिंग अप फॉर एन अल्फा मेल एंड फाइटिंग फॉर हिम, इट्स अमेजिंग। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स इस घर में दिखने को मिल रहे हैं जो बाहर नहीं मिलते हैं। द वे अ वरुण सूद और अ प्रतीक सहजपाल डील एंड हैंडल अ फैजी बू इज इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन हु इज वॉचिंग आउटसाइड टू सी हाउ यू आर सपोज टू बी डीलिंग विद इट। इट्स ऑल राइट टू गिव अ हग टू अ बॉय हु इज गे बिकॉज ही विल नॉट गो एंड रेप यू। सो दैट्स अमेजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सो मेनी अदर पीपल हु आर कमिंग आउट, यू आर अंडरस्टैंडिंग देम। सी द कॉन्फिडेंस दैट अ फिजा हैज। फिजा इज 100 kg plus, but it doesn't matter. She thinks and she feels, and actually for a lot of people, she is one of the most sexiest women there is. So I think that's why I think Ace of Space is even watched, because they have such aspirational stories. Fight karte hain, ladai jhagde har jagah honge, par uske alawa kuch hai wahan par. अभी तो जैसे कि अभी आपने कहा लड़ाई झगड़े के बारे में, तो वैसे ही बाहर भी आप काफ़ी कंट्रोवर्सीज के इर्द गिर्द होते हो, या हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज शायद आपको ढूंढ के आती है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? आपको जो रीसेंट टैग मिला है टीवी माफिया, जहाँ एक वॉर चालू है शिल्पियन वर्सेज लॉस्ट सोल, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? व्हाट डू यू वांट टू क्लेरिफाई? आई डोंट थिंक सारे शिल्पियंस की वॉर चालू है लॉस्ट सोल से, कुछ शिल्पियंस की नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, सम शिल्पियंस बिलीव दैट ये गलत है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि टीवी माफिया, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इससे, लेकिन अब कहा, हाँ मैंने सुना और मैंने पढ़ा भी, मैंने रिप्लाई भी किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने सलमान सर को मजबूर कर दिया और फोर्स किया है चीज़ें बोलने के लिए। तो यार, एनी वन हु कैन फोर्स सलमान खान टू डू और से एनी थिंग देन ऑब्वियसली दे मस्ट बी वेरी बिग माफियाज। बट मुझे नहीं लगता कि सलमान सर को उनके मॉम डैड के अलावा कोई भी किसी भी चीज़ को मजबूर कर सकता है कहने में और करने में जो उनको नहीं करना होगा। आई जस्ट फील वेरी रॉन्ग दैट दे आर ड्रैगिंग, यू नो, सलमान सर, वाईकॉम, कलर्स, एवरीवन ऑन टू एनीथिंग लाइक दिस एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट बिकॉज इट्स स्टूपिडिटी। आपने एक स्टोरी सुनाई थी आज से एक साल पहले, कुछ लोगों ने मान ली, कुछ लोगों ने नहीं मानी, फिर वो कहानी ख़त्म हो गई आपकी। आपको समझाया गया था, सलमान सर ने भी बताया, उनकी पूरी टीम ने रिसर्च किया कि विकास का कुछ लेना देना नहीं है। आपने इतने इंटरव्यूज़ में खुद बोला विकास का कुछ लेना देना नहीं है, फिर एक साल के बाद सडनली अभी आपने डिसाइड किया कि आप वापस कोई कहानी लेकर वापस आएंगी। अब बिग बॉस ख़त्म हो चुका है और अब कोई वोट नहीं कर रहा है, और प्लीज़ विक्टिम बनने की कोशिश ना करें। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अपने आप में, यू डोंट नीड टू बी विक्टिम फॉर समवन टू हेल्प यू, फैंस टू हेल्प यू। डू ग्रेट वर्क एंड पीपल विल लव यू फॉर द अमेजिंग आर्टिस्ट दैट यू आर, एंड फॉर द अदर पर्सन जो इन्वॉल्व हैं, जो बोल रही हैं बहुत सारी चीज़ें, बोलते रहो, गुड। ओके, तो वेल, शिल्पा के वॉर में अब अर्शी का भी कहीं ना कहीं टेक आ गया, वो भी काफ़ी एलिगेशन आपके बारे में लगा रही है। घर में हमने काफ़ी अच्छा बहन भाई टाइप का बॉन्ड देखा था अर्शी और आपके बीच में, अब वो निकल चुकी है, वो कह रही है कि शायद उन्हें भी काम नहीं मिल रहा, शिल्पा को भी काम नहीं मिल रहा बिकॉज विकास गुप्ता है इसीलिए। सो आपको क्या कहना है अर्शी के? मुझे काम मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, 93 kg से 76 हुआ हूँ, इसलिए नहीं मिल रहा है कि किसी की जान पहचान है, इसलिए मिल रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ।
अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, लोगों के साथ मेहनत करता हूँ, इसलिए मिल रहा है। हिना को इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रही है, वो लोगों से जाके मिल रही है और चीज़ें कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इसलिए किसी को काम नहीं मिलता है क्योंकि जो भी आपके रीजंस हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। आई रियली होप आप लोगों को काम मिले, पर उसके लिए काम करें। ट्विटर पे जाकर, इंस्टा पे जाके, इंस्टा स्टोरीज रात के 3-3 बजे बनाने से नहीं मिलता है काम। किसने बताया नहीं उनको, काम ऑडिशन जाके देने से मिलता है, लोगों से मिलने का मिलता है, अपनी एक्टिंग को सुधारने से मिलता है, इन सब चीज़ों से काम नहीं मिलता। आपको एक्चुअली शिल्पा जी से पूछना चाहिए, शिल्पा जी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, शी विल टेल यू, बट वॉट एवर वेज यू थिंक। मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ इन चीज़ों का। अब अर्शी को जो बोलना है उनको बोलने दो यार, उनको चाहिए अब न्यूज़ में रहें, प्लीज़ जाओ। ओके इसके बाद में चले हम बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। बिग बॉस 12 आप कितना फॉलो करते हैं? बहुत कम, मैं बिग बॉस कभी देखता ही नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ऑफ लगता है बिग बॉस देखना। मुझे बहुत जब कोई इंसान घबराता है या फिर कोई इंसान के साथ कुछ गलत होता है या कुछ, तो मुझे बहुत वो होता है, दुख होता है, तो फिर मैं वो चीज़ें नहीं देख पाता हूँ। सॉरी मैं हूँ थोड़ा सा इमोशनल नाजुक टाइप का, तो क्या होता है जैसे जब घेर के साथ हो जाए, कोई किसी की बिचिंग कर रहा हो, किसी को बुरा बोल रहा हो और मुझे वो इंसान पसंद, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं रिएक्ट करता हूँ, तो फिर मैं अपने खुद के नहीं देखे मैंने और इसीलिए एपिसोड्स की मुझे तो और भी बुरा लगेगा कि मेरे मन में मेरा दोस्त बोल रहा था ऐसा, ये बोल रहा था, तो फिर मैं नहीं देखता हूँ सब चीज़ें। ओके लेकिन घर में हमने देखा था जहाँ पे करणवीर कह रहे थे उनको, जब भी रोहित ने कुत्ता बोला था लाइक ऑन टेलीविजन, तो उन्होंने कहा था मैं विकास को जाके ये ज़रूर बताऊँगा। हाँ तो बजवाएगा ना वो बैंड या बिल्कुल ही मेरा। अब आप बताओ तुमने कुछ पंगे किए हो मेरे साथ, मैं बोलूँगा तेरी मम्मी से, इसकी मॉम से मैं कंप्लेन हुआ, आंटी से, आंटी इसकी बैंड बजाएंगी, तो और क्या, मेरा भाई है छोटा तो बोलेगा ना बैंड बजाऊंगा, तो हमने तो थप्पड़ मारा उसको, कल आता है तो वापस पिटा है वो मेरे से भी, अपनी मॉम से ही पिटा है, ऐसे बात करते अपने बड़े भाई से, ये सब हुआ जोन। मतलब मैं आ गया ना, इतना टॉर्चर होके आया हूँ मैं, मेरे से इतना कुछ हुआ है, पर मैंने भी अच्छा खेला ना, चुप हो जाता पागल। पर वो उसने अच्छा जो इतना लंबा खेल सकता था उसने खेला, उसने कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बाद वो निकला है, तो बहुत ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो उसके लिए क्योंकि वो इज़ वेरी यंग। बट हाँ जहाँ तक उसने गलतियाँ करी वो करी हैं, पर गलतियाँ उस घर में किसने नहीं करी, हर कोई कर रहा है। बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत ज़्यादा ही बातें, गंदी बातें और लोगों ने बोली हैं जो बहुत बहुत सीनियर हैं, पर होती हैं गलतियाँ, मेरे से भी हुई होंगी मेरे सीजन में गलतियाँ, ऐसा तो नहीं मैं परफेक्ट निकल आया हूँगा, हर किसी से होती हैं, वो घर ही ऐसा है। तो आई जस्ट रिकमेंड टू एवरीवन कि जैसे ही आपका बिग बॉस ख़त्म होता है उसे भूल जाओ। कुछ लोग अभी तक जी रहे हैं एक साल बाद भी, बाहर बिग बॉस बना दिया है, ख़त्म नहीं हुआ उनका बिग बॉस, प्लीज़ बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, वो समाचार पिछले साल समाप्त हो गए थे, ये वाले भी समाप्त होने वाले हैं, अब ज़रूरी है कि हम कुछ नया करें, अच्छी चीज़ें करें। अच्छा तो जब आप घर में गए थे तब आपने वहाँ पे दीपिका को कहा था कि थोड़े फ्रेंड्स बनाओ, थोड़े बाकी सब लोगों से इन्वॉल्वमेंट हो, बट अभी तक उनका सिर्फ एक ही है भाई बहन का बॉन्ड, सो व्हाट यू वांट टू से, अभी तक वो लाइक ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाई है या फिर ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाई है, तो दीपिका को आप टॉप फिनाले में देखते हो? हाँ मैं तो टॉप टू में देखता हूँ, एब्सोल्युटली देखता हूँ, बिकॉज सी दीपिका ना इज़ अ फैंटास्टिक गर्ल। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, उसने जितनी सहनशीलता के साथ ये गेम खेला है और जितनी ग्रेस के साथ खेला है, बहुत कम लोग खेल पाते हैं। और दीपिका का डिसीजन टू सपोर्ट श्री, आई माइट एग्री माइट नॉट एग्री, वो उसका डिसीजन है, पर उसने अपने डिसीजंस अच्छे तरीके से निभाए हैं, कुछ पागल बन के निभाए हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है खेलने का, सबके डिसीजन सही गलत हम नहीं होते बोलने वाले, वो उसका डिसीजन है, उसका गेम खेलने का तरीका, पर आई स्टिल थिंक शी सुपर्ब यार, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग हर इन द टॉप 3। ओके श्री के गेम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? श्री ना गेम अपना ही खेलते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर चलते हैं, वो उनका गेम है और वो बहुत इंटरटेनिंग है लोगों के लिए। आई जस्ट होप दैट अगर उनका गुस्सा कंट्रोल होता ना तो बहुत ही सुपर्ब होता, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं कभी कभार जो उनको नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज ही इज़ ऑल्सो इंटरटेनिंग एवरीवन, ही इज़ वेरी रियल ऑन स्क्रीन, सो दैट्स अ नाइस थिंग। ओके तो टॉप 3 में आप किसको देखते हो? टॉप 3 में श्री, दीपिका, केवी। ओके एंड एज अ विनर? विनर तो आप लोग डिसाइड करते हो, कभी भी नहीं होता डिसीजन, मेरे को तो लगा था कि मैं सेकेंड आऊँगा पर मैं थर्ड आया, मुझे कभी नहीं लगा था मैं विनर हूँगा, तो मुझे हमेशा मतलब मैं सेकेंड आऊँगा, पर सेकेंड नहीं आया ना, मैं ही ना आई थी सेकेंड, उसको लगा वो फर्स्ट आएगी,
सो एवरी वन हैज़ देयर पर्सपेक्टिव, पर जिस हफ्ते फिनाले हो रहा होता है उस हफ्ते जिसके फैन ज़्यादा वोट करेंगे वो बनेगा विनर। Okay, तो यही ऐसा कुछ पैटर्न एस ऑफ द स्पेस का भी है, इसका भी फिनाले आ रहा है, तो कितने एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, खत्म हो रहा है सीजन टू बाद में आएगा, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊँगा उसको सोचते हुए। पर जो चीज़ आपसे हाथ से जा रही होती है आप बहुत सैड होते हो, बिकॉज आपको हर रोज़ यहाँ आने की आदत लग जाती है, इन लोगों की ज़िंदगियों में आप इन्वॉल्व होते हो, और अब जब एक दो हफ्ते बाद ये शो ख़त्म होगा उसके बाद सडनली एक वैक्यूम आ जाएगा, आपको फिर देखना पड़ेगा आप क्या करोगे। थैंकफुली बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड आउट हैं सो दैट माई माइंड गोज बैक टू वर्क, बट फिनाले आ रहा है या, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी व्यूअर्स से, यू आर लविंग इट सो मच, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वोटिंग फॉर योर फेवरेट, बिकॉज बहुत कम वोटों से ना कुछ लोग निकल जाते हैं जिनको जाना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव लॉस्ट सम ऑफ माई फेवरेट हाउस गेस्ट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ वोटिंग, एंड आई अनफॉर्चुनेटली मेरा घर है पर मेरा राज नहीं चलता है, वो फॉर्मेट आप ही का है, तो वरना मैं तो नहीं जाने देता 50 लोगों को ऐसे ही, पर नहीं ऐसा है नहीं, तो आप लोगों को प्लीज़ वोट करना है, प्लीज़ वोट फॉर योर फेवरेट, प्लीज़ प्लीज़। ओके एंड लास्टली जाने से पहले खतरों के खिलाड़ी के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बड़ी झाड़ पड़ेगी, डांट पड़ेगी। हेलो, सो खतरों के खिलाड़ी में मैंने सारी गलत चीज़ें करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैंने झूठ बोला, ओके मैंने उनको नहीं बताया था कि मेरी शोल्डर इंजरी है, वरना मेरे को जाते ही नहीं है लेकिन नहीं आते, तो फिर मैं ऐसे वो कहते हैं ना जिम से पहले इंजेक्शन लेता था एम्प के, वो अपने नर्वस सिस्टम को ऐसे करते कि दर्द नहीं होता, हाँ सो मैं वो इंजेक्शन लिया था, मैं पकड़ा गया और डिसक्वालीफाई हो गया सेवन्थ वीक में। उसके अलावा मैंने बहुत अच्छी चीज़ें भी करी वहाँ पर, मतलब सांपों के साथ खेला वेला मैं और हेलीकॉप्टर से जंप वंप मारे मैंने वहाँ पर, सो इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट कॉल्ड, शुड नॉट बी कॉल्ड फियर फैक्टर, शुड बी कॉल्ड पेन फैक्टर ऑल्सो, बिकॉज आप ठंड में -2 degrees में अंडर वाटर जाते हो, तो मतलब आप सो ठंड में लोग बाथरूम जाके साफ नहीं करते हैं दिल्ली में, यहाँ तो बोलते हैं कि जाओ मतलब पानी में कूद जाओ, जगाना पड़ेगा वरना तो आप वो हार जाओगे, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड यू नो फॉर सम पीपल हु हैव मैनेज टू डू सो वेल, लाइक भारती हो गई, यू शी इज़ सो वंडरफुल एज अ पर्सन, एंड फॉर हर जर्नी शमिता शेट्टी केम इन मिडल, शी इज़ अ वाइल्ड कार्ड, एंड उससे पहले उनकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी द वे शी इज़ बाउंस बैक एंड डन दिस, सम पीपल आर ब्रिलियंट ऑन द शो लाइक आदित्य एंड पुनीत, दे आर मेंट टू डू दिस, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली सेट, हाँ बट द अदर्स लाइक अस, लाइक हम ऐसे राइटर डायरेक्टर टाइप थे, रियलिटी शो किया कभार ने, तो हमारे बड़ी डिफिकल्टी थी, हर्ष है भारती का हस्बैंड, उसने कभी नहीं किया ये चीज़ें, उसने करनी है, आपको देखना पड़ेगा, आप ना ये शो हर्ष की वजह से देखोगे, फॉरगेट एनीवन एल्स, क्योंकि इतना कॉमेडी करी है उसने, इतना मजा आता है व्हेन ही इज़ डूइंग स्टंट्स दैट ही वाज डूइंग, सो इट्स सुपर्ब, इट्स बीन अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स देयर, एंड आई लर्न दैट, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग माय एस ऑफ स्पेस हाउस गेस्ट ऑल्सो, कभी कभार कॉम्पिटिशन में कुछ चीज़ों के करने में हम अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं, प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव कंटिन्यूड टेकिंग द इंजेक्शन एंड डूइंग अ स्टंट, आपकी हार्ट रेट 80 से 130 हो जाती है, आप 100th फ्लोर से कूद रहे हो, स्ट्रोक आ सकता है, यू कैन डाई, द ट्रेनर डिडंट टेल मी दैट, एंड आई वाज रिस्किंग इट बिकॉज आई डिडंट हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आई क्राइड द डे आई लेफ्ट, बट द नेक्स्ट डे आई वाज हैप्पी एंड माय मदर सेड दैट्स सो गुड दैट यू गॉट सेव्ड बिकॉज यू कुड समथिंग एनीथिंग वुड हैव हैपेंड टू यू, सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत सीखनी और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हेल्थ, योर सेल्फ, एंड यू शुड नो व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, रियली। ओके सो लास्टली पंचवीट के बारे में क्या कहोगे, हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद प्रियांक, हर्षिता एंड सिद्धार्थ? पंचवीट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम नाउ, हर्षिता हैज़ बीन अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल गर्ल एंड शी इज़ बीन सच वंडरफुल, विद द अदर्स इट वॉज देयर फर्स्ट टाइम डूइंग अ फिक्शन शो एंड इट समहाउ हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ इशूज एंड प्रॉब्लम्स वी हैड, किसी के पाँव में प्रॉब्लम है, किसी को म्यूजिक वीडियो करना था, सो आई थिंक इट वॉज नॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर एंड अ क्रिएटर ऑफ अ शो, बट आई एम ग्लैड इट गॉट फिनिश्ड, आई एम ग्लैड दैट वी हैव कम टू अ कंक्लूजन वेयर वी आर नाउ गोइंग टू गो अहेड एंड रिलीज द शो, द ओनली डिफिकल्टी इज दैट आई एम अंडर अ लॉट ऑफ डेट, बहुत ओवर बजट जा चुका है वो शो एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वाइल वी माइट हैव एडजस्टेड विद द एक्टर्स एंड इट शोज लुक्स लाइक द देव एडजस्ट बट दे हैव नॉट, सो होता है वो तो प्रोड्यूसर एक्टर्स की इश्यूज होती हैं, दैट वी विल हैंडल द वे वी हैव सपोज टू हैंडल, बट इट्स कम आउट ब्यूटिफुल, द शो इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग शोज दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय माई प्रोडक्शन हाउस एंड यू वुड लव इट, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज़ लुकिंग लाइक मिलियन बक्स, वेदर इट्स प्रियांक, सिद्धार्थ, खुशी और हर्षिता,
they are amazing on the show, and I'm so proud that we've done the show. Okay, when is it coming? February. Okay, so lastly, जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपके viewers and fans को? सुबह से interview देते देते थक गया हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, thank you for all the love. आप हो तो मैं हूँ, and that's the truth, because all that I'm doing right now and all the strength that I get is coming from love. The love's coming from you guys. Please keep it flowing.